वॉइस और स्क्रीन शेयर हो रही ना आप लोगों को? क्लियर है अपना? तो खैर, जो ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि जो है ना, किस तरह से मतलब स्टार्टिंग में हम लोग एक कंपनी का इंट्रोडक्शन दिए थे कि कंपनी स्टार्टअप कौन करे थे, इसके फाउंडर कौन थे और इनके कौन कौन से बिजनेसेस हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ बिजनेस के साथ साथ एक नेशनल एकेडमिक भी जो है, एक आप लोगों की इसी की एक सर्विस है, तो जिसके फाउंडर है मोहम्मद रमीज़ अली ख़ान है, फाउंडर और सीईओ इन्हों ही हैं। और इनकी जो ऑफिस है दुबई में भी है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है माशाल्लाह से। तो नेशनल एकेडमी भी जो है उसी की एक सर्विस है। ठीक है, तो अभी अपन एक टॉपिक में आ जाएंगे। तो किस तरह से मतलब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, यहाँ से वॉइस क्लियर है आपके तरफ से? देख लीजिए आप असरा। तो वेबसाइट जो है, अब हर हर अपनी अपनी एक कंपनी का एक वेबसाइट्स बना लेते हैं लोग, कि वेबसाइट में जो है ना क्या रहता बेसिकली, कि जो है इसमें डोमेन और होस्टिंग मेन इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी आप अपने वेबसाइट में या अपने कुछ प्रोडक्ट है उसके नाम से एक अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, या कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिससे आप जो है ना एक उसके थ्रू जो है एक अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो मोटे मोटे अल्फाजों में ये है कि जो है ना किसी भी चीज़ की जो है ना आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, यानी गूगल रैंकिंग में लाना चाह रहे हैं, वो वेबसाइट है। और डिजिटल मार्केटिंग ये है कि जो है ना, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग में ही जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपर, ये जितने भी चीज़ें हैं ई कॉमर्स बिजनेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये भी जो है ना एक डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम लोग एक ऑनलाइन है तरीका, इसमें वेबसाइट में भी जो है दो तरीक़े हैं, एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन करने से पहले हम इंशाल्लाह कल से जो है मैं लिंक भेज दूँगा, वो आप जितने भी मेंबर्स हैं, यहाँ पर 90 मेंबर्स हैं, तो फिलहाल अभी यहाँ पर ज्वाइन जो है नया नए है वो 16 मेंबर्स ही दिखा रहे हैं यहाँ पर, किसी वजह से उन लोगों को लिंक मिली है या नहीं मिली देख लीजिए आप। अगर आप लोगों को नहीं मिली है तो ग्रुप में ये वीडियो भेज दूँगा, एक मरतबा आप कांटेक्ट भी कर लीजिए रिसेप्शन पे। तो आप अपने अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप में जो है ना दो लिंक आप जो है ना इंस्टॉलेशन करिए आप, जैम्प रहेगा XAMPP, इसके लिंक्स रहेंगे, वो इंस्टॉलेशन करना है आपके पीसी या लैपटॉप में। इसके बाद जो है ना हम लोग किस तरह से ऑफलाइन में किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उसमें किस तरह से पेजेस ऐड करेंगे, होम मेनू और फुटर, इस तरह से बैकग्राउंड इमेजेस और कलर फॉन्ट, इस तरह से फॉर्मेटिंग करेंगे। आवाज़ क्लियर है ना?
तो ज़ैम्प इंस्टॉलेशन करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन का तरीका भी ये है कि जो है जब आप अपने पीसी में या लैपटॉप में जब इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव में ही ये इंस्टॉलेशन करना है। दूसरे डिवाइस ड्राइवर्स में आप इंस्टॉल करेंगे तो जो है ना वो प्रॉब्लम होता है। बेसिकली जो भी इंस्टॉलेशन रहेगा वो सी ड्राइव में ही होगा। तो इसमें वेबसाइट में जो आने के बाद इसमें किस तरह से इसमें डोमेन परचेज करना रहता, जब आगे चलकर आपको ये मालूम होगा कि जब ऑफलाइन से जब ऑनलाइन में आएंगे तब ये चीज़ें किस तरह से यूज़ करना है वो आगे चलकर अपन देखेंगे कि डोमेन किस तरह से परचेज करना है और होस्टिंग किस तरह से लेना है। अगर कुछ फ्री वेबसाइट है तो उसको वो वेबसाइट को जो है यूआरएल फॉरवर्डिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है, इसमें डोमेन नेम परचेज किस तरह से करना है, अपना डोमेन नेम किस तरह से इसमें सर्च करना है। इसके तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अब रजिस्टर्स हैं इसके, तो उसमें जैसे आप जो है ना अपना डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। मान लो कि जो है ना गोडैडी है, होस्टिंग है, होस्टिंगर है, और जो है ना name.com है, इसी तरह के वेबसाइट्स हैं, रजिस्टर्ड्स हैं, तो वहाँ जाके आप अपना डोमेन परचेस कर सकते हैं। तो आप लोग एक रूल बना लिए कि जो है ना जो भी यहाँ पर आप 1 आवर यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पर से कुछ ना कुछ सीख के उठना है, चाहे वो एक ही कमांड क्यों ना हो, एक ही कंपोनेंट क्यों ना हो, यहाँ से आप एक जहन बना लीजिए आप लोग। तो इस तरह से करने से आप लोगों को करने में आसानी होती, ठीक है। इसमें HTML और JavaScript का ये ज़्यादा कुछ यूज़ तो नहीं रहेगा इसमें, कोडिंग का तो कुछ बहुत रेयरली है, समझ लिए, इस तरह से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग इसमें वर्डप्रेस का इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग ज़ैम्प इंस्टॉलेशन करने के बाद ये वर्डप्रेस पे काम करेंगे, और किस तरह से वर्डप्रेस में जो है ना हम अपना डोमेन यानी फ्री डोमेन जो है रहता वो इस तरह से किस तरह से करना है वो स्टेप बाय स्टेप अपन कर लेते जाएंगे। इसके बेनिफिट्स क्या है WP यानी वर्डप्रेस के, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंटर थीम्स हैं, इसमें प्लगइन्स हैं जो कि हम लोग आगे चलकर देखेंगे। ये जो वर्डप्रेस रहेगा ये SEO फ्रेंडली रहेगा और ये इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी में जो है ना SEO फ्रेंडली रहेगा। इसमें जो आप अपने वेबसाइट्स में जो है जो एलिमेंटर थीम्स रहेंगे इसमें किस तरह से ऐड करना है तो ये देखेंगे अपन आगे। आज इसका पूरा एग्जाम का इंट्रोडक्शन है, यानी डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यानी ये बेसिक है। तो ये आपको समझ में आ गया तो जो है ना आप जब हम क्लास फर्स्ट क्लास लेंगे तब ये आप लोगों को क्लियरली मालूम होगा कि जो है ना किस तरह से जो है किसको क्या कहते हैं, राइट। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, वो एक एक अपन देखेंगे। तो मेरा बोलना मतलब क्या है कि जो है जब आप अपने तरफ से ये जो भी चीज़ें बताएंगे तो जो है ना आप प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह। इसमें SEO भी रहेगा, SEO किसे कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, SMM
सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये एसईओ होता क्या है? बेसिकली एसईओ वो होता है जब आप अपने एक वेबसाइट को जो है गूगल सर्च इंजन में जब रैंकिंग के लिए जब करेंगे आप, इसमें पांच इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप नोट कर लीजिए। इसमें पांच इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल टेक, हेडिंग और कीवर्ड। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल टेक किसे कहते हैं? इमेज को कहते हैं इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, कीवर्ड, हो गए पांच। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, ऑल टेक और क्या है, पांच है कीवर्ड्स। ये पांच इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपनी वेबसाइट में ये रैंकिंग यानी सर्च इंजन में रैंक होने के लिए ये पांच चीज़ों पे काम कर लेंगे तो जो है आपकी वेबसाइट जो है फर्स्ट पेज में रैंक होती है। इसमें भाई हम लोग को फर्स्ट पेज में रैंक होने से मुरा हम लोग को फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, तो लोग समझते हैं कि जो है ना इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। कि इसमें जो है आप आगे चलकर ये पूरी चीज़ें सीख सकते हैं कि जो है ना किस तरह से पेज रैंकिंग हो गया। तो जो है ना कई सारे क्लाइंट्स जो है ना आपको जो है ना कॉल करेंगे या आपके आपसे कांटेक्ट करेंगे बाई ईमेल के थ्रू, कि इससे फ़ायदा क्या होता है किसी के पेजेस से यानी रैंक नहीं करते गूगल में। एग्जाम्पल देख लेंगे एक, वो एग्जाम्प का हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये होता क्या है और एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर मैं वॉचेस बोल के टाइप करा और इंटर करा, तो जिस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पेजेस आ रहे हैं ये टोटल 100 पेजेस रहेंगे। ये सिर्फ ये एग्जाम्पल है। और इसमें पेजेस कितने रहेंगे? 100 रहेंगे। कितने रहेंगे? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको आगे चलकर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछेंगे कितने कितने पेजेस रहेंगे। इसमें टोटल 100 पेजेस रहेंगे। और इसमें ये जो एक एक ये लिंक है इसको पोजिशन कहते हैं ये लैंग्वेज में। ये फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, ये जो ये लिंक्स है इसको पोजीशन बोलते हैं। और ये जितने ये टोटल जो है ना 10 पोजीशन ओपन होते हैं अपनी वेबसाइट में। एक वेबसाइट में जो जो फर्स्ट पेज में जो है ना 10 ओपन होंगे। और जिसमें से जो है यहाँ पर देखिए, कभी आप देखे होंगे कि जो है ना एडवर्टाइजमेंट आएगा, इस पर तो नहीं दिखा रहा। यहाँ पर देखिए कि जो है यहाँ पर एड बोल के दिखा रहा, देखिए यहाँ पर ये टोटल एड्स जो है ना जो आपकी पेज में जब ओपन होंगे, कि ये टोटल 7 मैक्सिमम जो है ना 7 एड होंगे, एड्स आएंगे, जिसमें से चार जो एड आएंगे इसमें से जो है ना टॉप में आएंगे और 3 जो है आपके बॉटम में आएंगे, राइट।
ये आगे चलकर आप एग्ज़ाम में भी रहता कि कितने ऐड आएंगे, क्या है, इस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम भी लिखना रहता, कम भी रह सकते। कम भी रहेंगे, कभी नहीं भी रहेंगे, तो डिपेंड करता कोई ऐड चलाने वाला था। तो एस सी ओ और SEM में फ़र्क यह है कि जो है ना, जो SEO ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी आप कीवर्ड्स इसमें डाल के जो करेंगे तो ये फर्स्ट पेज में आता हो, ये ऑर्गेनिक है। और पेड जो है, जो अपने पास पैसा है, जो अपना प्रोडक्ट को जो है ना लॉन्च करना चाह रहा हूँ या फर्स्ट पेज में लाना चाह रहा, तो ये ऐड की यहाँ पर ऐड नज़र आता है, समझ जाना कि ये SEM है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सर्च इंजन मार्केटिंग है। जो सर्च इंजन मार्केटिंग है वो पैसे दे के अपना ऐड फर्स्ट पेज में प्रमोट करना है। और SEO जो वो है कि जो है ना, अपने बलबूते पे अपने कीवर्ड्स टाइटल डिस्क्रिप्शन वो टाइप करके अपने पेज में लाना है, इसको SEO कहते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये है कि जो है, जब आपकी पेज जो है ना फर्स्ट पेज में रैंक होंगी तो कोई क्लाइंट जो है जिस तरह से ये ऐड दे रहे, इसी तरह आपको भी जो है ना उन लोग बोलेंगे कि भाई आपका पेज रैंक हो रहा, तो जो है ना हमारा भी ये प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे लगाइए, जिसके हम क्या चार्ज करना बोलिए हम लोग चार्ज करते। तो इस तरह का ये जो चीज़ रहेगा ये है। दूसरे और भी चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे, जिस तरह से गेस्ट पोस्टिंग है और भी हैं, लगा सकते हैं। इसमें वेबसाइट में दो तरह के रहते हैं, एक ऑन पेज SEO रहता है, एक ऑफ पेज SEO रहता है। ऑन पेज SEO वो है जो आप अपनी वेबसाइट में काम करेंगे तो वो ऑन पेज कहलाएंगी, और ऑफ पेज वो है जो आपकी वेबसाइट पे नज़र नहीं आती, जब आप टाइप करेंगे तो सर्च इंजन में नज़र आती लेकिन वेबसाइट के अंदर नहीं रहेंगे, यानी बाहर रहेंगे, ठीक है। मैं वेबसाइट में जो है ये इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑल टैग इमेज ये किस तरह से देखना है, इसके बहुत सारे टूल्स है जो हम आगे चलकर देखेंगे। इसका SEO किस तरह से हम लोग रैंक करना है अपने पेज में, क्या हमारे वेबसाइट में प्रॉब्लम है जो रैंक नहीं करती, बस कई। अब मैं यहाँ पर सिर्फ वॉचेस बोल के टाइप किया, तो इसका रिज़ल्ट देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है ना दिखाया, 0.71 सेकंड में, यानी कितने बिलियंस है, देखिए यहाँ पर मिलियंस में ये लोग जो है ना ये कीवर्ड पे टाइप करे, लेकिन वो पूरों को छाटते हुए आके जो है ना ये लोग आए फ्रंट पेज पे। ये इसका रीज़न क्या है, गूगल अल्गोरिथम जो रहता उन्हें क्या करता, कीवर्ड्स किस तरह से आप लोग लगाए वो हिसाब से उन वो उसका एक क्या बोलते हैं इसको, एक अल्गोरिथम रहता और इसमें रोबोट रहता कि जो है ना किस तरह से मतलब वो कीवर्ड्स को जो है ना रैंक लाने के लिए। तो ये देखिए इसका रिज़ल्ट है, आप जितना बड़ा कीवर्ड टाइप करते जाएंगे यहाँ पर आप इसमें से रिज़ल्ट कम होते जाता है, यानी जितना आपका कीवर्ड बड़ा रहेगा उतना आपका मतलब आपकी पेज में फर्स्ट पेज में रैंक होने के चांसेस रहते। बास लोग जो है ना थोड़े यूनिक रहते वर्ड्स जो है ना एक ही वर्ड में जो है ना रैंक हो जाती, जैसा कि देखे अखरा साफ एक वेबसाइट है, देखे मारते कि आ गया, यानी इसके नाम का कोई भी नहीं, यानी एक ही कीवर्ड आप फैन ले तो जो है ना ये कॉमन चीज़ है, ये कॉमन चीज़ में टाइप करेंगे तो जो है ना बहुत अपने को कंपटीशन मिलता,
जिससे हम लोग रैंक नहीं कर सकते। तो ऐसे कीवर्ड्स आपको अपने वेबसाइट में लगाना है कि यूनिक रहे और डिफ़िकल्ट रहेंगे, कि जो है ना दोबारा वो रैंक ना, तो दूसरे उस तरह के रिलेटेड नहीं रहना। अगर रिलेटेड रहे भी तो जो है ना उसको थोड़ा लेंथी करना है, 3 to 4 कीवर्ड्स डालेंगे तो जो है ना आपकी वेबसाइट में रैंक होने के चांसेस है। और इसमें दिखाता कि जो है ना किस तरह से आपका वेबसाइट में है ना क्या क्या आपके मतलब मिस्टेक्स है, वो एक सॉफ्टवेयर से तो आगे चलकर देखेंगे हम उसमें किस तरह से फाइंड आउट करना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अपना टाइटल सही है या डिस्क्रिप्शन सही है या नहीं है, अपनी ईमेज जो फिट करे हैं तो वो ईमेज बराबर है या नहीं है देखने के लिए वो चीज़ें अपन आगे चलकर देखेंगे। ये जो है ये आपका लोकल बिजनेस है, यहाँ पर आपका जो पर्टिकुलरली एक एरिया है, मान लो कि जो है मैं अपने हैदराबाद में जो है ना एक पर्टिकुलर एक एरिया को टारगेट करा, मैं यानी मैं प्रोडक्ट जो है ना वो पर्टिकुलर एरिया में जो है ना मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करें और वहाँ के लोगों को दिखाना हो, दूसरे एरिया में नहीं दिखाना, तो वो चीज़ को हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, लोकेशन लगा के जो है लोकल एरिया से वो कर सकते हैं हम। इस तरह की चीज़ें हैं। और आप ये जहन में रखें कि जो है गूगल जो इसका गूगल अल्गोरिथम है तो वो सिर्फ इमेज को नहीं, इमेज के बैकग्राउंड में जो कीवर्ड लगाते उसको ही रैंक करता हो ऑल टैग, और इमेज को क्या करता। अब बात देखेंगे कि जो है ना इसमें इमेजेस नज़र आए, यहाँ पर देखिए अब मान लो वॉचेस, अब ये इमेजेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर इकरा साहब बोल के दिख रहा है आपको, अब इसमें इमेज पे देखे तो क्या है भाई, यार देखे तो यहाँ पर इमेज पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये फोटो आ जा रही है, भूल के अपन समझ रहे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो है कीवर्ड लगा देते इसमें और ये कलर में जो है हाइड कर देते, जिससे आपको जो है ना उसका कीवर्ड मालूम रहता। गूगल क्या करता उसका कीवर्ड इसके रिलेटेड जितने भी हैं लिंक्स को वो करता, उन्हें कैच करता, तो इसके बैकग्राउंड में या इसके अंदर में जो है ना कहीं भी जब ये इमेज सेव करेंगे तब उन्हें वहाँ पर कीवर्ड डाल देता, जिससे ये जो इमेजेस है आपकी गूगल पेज में रैंक होती है, यानी दिखती है नज़र आती रिलेटेड। जी ये जो इमेज जब उन अपलोड करेंगे अपने जो भी अपनी वेबसाइट में, तब उन्हें जो है ना इसके बैकग्राउंड में या इसमें ही जो है वॉचेस बोल के टाइप करा, वॉच फॉर मेन है ना, वॉचेस फॉर मेन, ये वॉचेस फॉर मेन जो है ना जब इन्हें सेव करेंगे इमेज वहां पर, बताता हूँ इसपे जो है कीवर्ड डाल देता, और गूगल क्या करता ये कीवर्ड को उन्हें फाइंड करता है, इसके रिलेटेड वॉचेस जो भी है जितने भी वॉचेस नाम के हैं पूरों को जो है ना इमेज को इकट्ठा करके इमेज फोल्डर में डाल देता हूँ। तो ये चीज़ है आप लोगों को, और कल इंशाल्लाह हम लोग ज़ैम्प इंस्टॉलेशन करना है पूरे, कोई भी खाली नहीं रहना है, और ज़ैम्प इंस्टॉलेशन करके जो है ना इसमें किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करेंगे और उसमें वर्डप्रेस पे काम करेंगे अपन, और आगे चल के ये पहले ऑफलाइन रहेगा। ज़ैम्प जो है एक पीएचपी में एडमिन, ये एक सर्वर है, लोकल सर्वर है, और लोकल सर्वर में किस तरह से काम कर रहे हैं, इसके बाद लोकल सर्वर के बाद हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन में किस तरह से काम कर रहे हैं, जो अभी जो क्लास चल रही थी जो आप लोग आए वो ऑनलाइन का ही चल रहा था। इसके बाद मैं बोलना ये चाह रहा था कि जो है जब हम यहाँ पर कुछ दिखाए तो जो है ना आप लोग अपने तरह से प्रैक्टिस करना, अब हम लोग यहाँ पर 20% लगाए आपको 80% का काम करना पड़ता, तो इतना नौबत नहीं आया कि जो है ना पूछे था मेरे को, आप लोग आप ही मेरे को बोला कि है ना ये ऐसा है ऐसा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जितना अपना नॉलेज है यहाँ पर मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, आप भी जो है ना उसी तरह का आप लोगों के पास से भी रिजल्ट आया तो जो है ना
अच्छा रहता, वो चीज़ का ज़रा जहन में रखें आप लोग। आप लोग जो है ना कंपलसरी कल जो है ना ज़ैम्प इंस्टॉलेशन करना है, तो इंशाल्लाह अपन अब थ्योरी के साथ साथ अब प्रैक्टिकल में उतरना है। अब ये सिर्फ ये एक डेमो क्लास है थी कि जो है ना इसका इंट्रोडक्शन था कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, मोटी लैंग्वेज में जो अपनी नॉर्म मादरी ज़बान है उसमें जो है ना मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप कि जो है ना आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। हाँ वही बताया था मैं आपको, आप लोगों को। तो मे बी इंशाल्लाह हो सका तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है ग्रुप में लिंक्स भेज दूँगा और कौन से चीज़ इंस्टॉलेशन करना है आप लोग ग्रुप देखते रहिए और ग्रुप में थोड़ा एक्टिवली कर लिए काम। हाँ यहाँ पर ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर भी। और बिल्कुल है, इवनिंग क्लासेस भी है। तो आप लोगों में से किसी को डाउट या क्वेश्चंस रहा तो जो है ना इंशाल्लाह। ये वेबसाइट भी बनाना बताएंगे आप, बिल्कुल, इसमें वेबसाइट में किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से लोगो वेबसाइट ऐड करना, क्रिएट करना, बस हाँ वेबसाइट क्रिएट करना। वेबसाइट क्रिएट करना, उसमें लोगो, उसमें पूरे फॉर्मेटिंग बताएंगे और किस तरह से इसमें बटन्स ऐड करेंगे, इसमें बटन ऐड करने का, इसमें से कंटेंट किस तरह से ऐड करेंगे, इमेजेस किस तरह से ऐड करेंगे। अगर आप फेसबुक में हैं तो अपने जो भी सोशल मीडिया आइकन कभी देखते होंगे कि जो है ना कभी किसी की वेबसाइट खोले होंगे तो जो है ना साइडों में जो है ना फेसबुक का, यूट्यूब का, इस तरह इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया आइकॉन्स भी नज़र आते हैं, और उसको किस तरह से लिंक करना है वो तो स्मॉल है, आपको समझ में आता। तो पहले मेन क्या है मैं बोलने का, आप लोग इसमें लोकल में करने के बाद तो आप लोगों को कुछ अंदाज़ा मालूम होता है कि होता क्या है। डायरेक्ट आप ऑनलाइन में बताऊंगा सर के ऊपर से चले जाता है कि क्या तो भी हो रहा है, क्या है, हम लोगों को मालूम ही नहीं हो रहा। तो बेसिक क्या है, अपन पहले अब नॉर्मल लोकल एसईओ में कर लेंगे, मतलब जैम में कर लेंगे, इंस्टॉलेशन करना है अपने सिस्टम में। वन टाइम आप जब इंस्टॉलेशन करेंगे तब नेट की ज़रूरत रहती, इसके बाद जो है आपको उस इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर मैक्सिमम तकरीबन लोगों के पास तो नेट है ही, तो वो चीज़ है। और क्या उद्देश्य आप बताना क्या चाह रहा था मैं, इंशाल्लाह अपने ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा, वो लिंक को जो जैम जैम्प इंस्टॉलेशन करना है आप पूरे, है ना सिस्टम है आपके पास लैपटॉप या पीसी? फ़ोन में मुश्किल है ना, पीसी का देख के, आपके दोस्त है ना साथ में रहते करीब में ही है, तो एक दूसरे को दिखाना, आप भी प्रैक्टिस करना, आप भी प्रैक्टिस, आपके पास तो है एक भाई है, आपके पास तो है, आपके पास तो है माशाल्लाह, आपके पास भी है माशाल्लाह। तो इंस्टॉलेशन करके जो है ना हम लोग बेसिक से देंगे, जल्दी नहीं, लंबा टाइम है, 90 डेज है, तो सुकून से सीखेंगे इंशाल्लाह। कोई डाउट रहा तो क्वेश्चन करिए, मैं रहा मैं ये जवाब दूंगा इंशाल्लाह, मैक्सिमम कोशिश करूँगा जवाब देने के। और सर भी रहेंगे माजिद साहब के, वो सीनियर हैं ना, तो उन्होंने भी जो है आप लोगों को क्लास लेंगे। तो आप लोग पूरे जो है ना कल इंशाल्लाह जैम्प इंस्टॉलेशन करके पूरे सिस्टमों में रहना है, आप पूरे होंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। 90 मेंबर्स हैं, 90 मेंबर्स को भी आप आपके जान पहचान है, दोस्त है या रिलेटिव्स में है, उन लोगों को पूरों को बोलना है कि जो है ना ग्रुप में एक्टिव रहे। अगर आप ग्रुप में हैं तो जो है आप लोग जो है एक दूसरे को इत्तला दीजिए। अब इसमें क्या है, आप लोग
आप अपना अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करिए ग्रुप में, कि जो है ना किस तरह से कुछ किसी को प्रॉब्लम आ रहा तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आवाज़ क्लियर है ना आप लोगों को? जवाब ही नहीं आ रहा आप लोगों का। तो कल आप लोगों को ज़ैम्प इंस्टॉलेशन करना है, आज जो है ना इंट्रोडक्शन था कि डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू किस तरह से है मोटी मोटी लैंग्वेज में, राइट? तो जिस किसी के पास पीसी नहीं है या लैपटॉप नहीं है तो आपके दोस्त के पास से लें, या कुछ अगर परचेज कर सक रहे हैं तो परचेज करें। ये चीज़ के लिए तो जो है ना आपको कंप्यूटर या लैपटॉप होना ज़रूरी है। तो कोई बोल रहे हैं कि मोबाइल में कर सकते हैं क्या, तो मोबाइल में नहीं होता भाई ये चीज़, आप अपने पीसी में या लैपटॉप में करने का रहता है। जो मोबाइल के रहते हैं वो आगे चलकर बताएंगे कि मोबाइल में क्या होता है, किस तरह से अपन बिजनेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है? हाँ ला सकते हैं, कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ला ले सकते हैं आप अपना लैपटॉप। इवनिंग में भी क्लास है, इवनिंग में भी अटेंड कर सकते हैं आप, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ, जो फर्स्ट पेज में टॉप पे रैंक होती हो आपकी वेबसाइट में, आप अपना एसईओ सही से करें तो जो है ना, आज करेंगे तो जो है ना कल आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में आ जाती। वो आगे है मतलब, और भी है, तो ये इसका सिर्फ ओवरव्यू था कि जो है ना किस तरह से। इंशाल्लाह हो सके तो मैं अब थोड़ी देर में आप लोगों को ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, तो वो ग्रुप में जो है ना वहाँ से कॉपी करके आप अपने चेक कर दो। ये लिंक से आप जो है ना आपके सिस्टम में या लैपटॉप में ये है जो ना इंस्टॉलेशन करिए, इस तरह का आइकन रहता है। XAMPP is the most popular ये PHP वीडियो development देखिए आप environment for Windows, OS X, and Linux platforms. It is a completely free and easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP, and Perl. This video shows how to install XAMPP on Windows. On the first page, you can select the ये जो है इस तरह का एग्जाम इंस्टॉलेशन करना है, और ये नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद जो है फिनिश कर देना है, और वो जो भी ले रहे हैं वो सीड रैम components मिलेंगे। that you want to install. यहाँ पर Then छेड़खानी select कुछ भी नहीं install. करना है यहाँ पर, और ये जो है सी ड्राइव में ही रहना है। Installation directory. All the components that you choose will be installed in the directory. XAMPP also allows you to install यहाँ पर नेक्स्ट PHP-based नेक्स्ट करके applications फिनिश करें, easily. और यहाँ पर 100% बोल के दिखाता आपको। वीडियो शो हो रहा ना आप लोगों को? कोई जवाब दीजिए। ठीक, Bitnami modules provide the easiest way to install WordPress, Drupal, or Joomla, among others, on top of your XAMPP installation. You can find more info at the ApacheFriends.org website. The XAMPP open source package has been set up to be in. ये जब इंस्टॉलेशन होता है ये आप जो है फिनिश कर दें,
incredibly easy to install and to use. After the installation, you will see the control panel. यहाँ पर आने के बाद इस तरह से जब जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अपैच जो दिख रहा मेरा माउस का जो कर्सर दिखा रहा अपन कल देखेंगे तो भी अब नॉर्मली देखिए आप अपैच और मैं इसके यूएल और ये दोनों को स्टार्ट करना है और उसके बाजू का जो एडमिन है वो एडमिन को क्लिक कर देना है तो ये जो इंस्टॉलेशन करेंगे तो इसके बाद ही जो है ना आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं यानी अपनी वर्डप्रेस की फाइल जो है ना इसमें उसमें लोकल डाटा बेस क्रिएट करना रहता तो उसमें लोकल डाटा बेस में जो है ना मान लो कि जो किसी एक वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं मान लो कि अब मेरा ना आपका नाम खालिद भाई के नाम से एक वेबसाइट बना रहे हैं तो जो है ना वो वर्डप्रेस की जो फाइल रहती है उसको रीनेम करके खालिद नाम का एक वेबसाइट बना रहे हैं तो खालिद बोल के लिखेंगे ठीक है अब वो खालिद नाम का जो वेबसाइट बनाएंगे उसको जो है ना न्यू डाटाबेस PHP में जो है ना अपन उसमें डाटा क्रिएट करना रहता वो स्टेप बाय स्टेप अपन करते जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ मालूम होती अब ये यस बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये दो स्टार्ट करना ये एडमिन को क्लिक करना ये डाटाबेस जो है ना आपकी वेबसाइट जो बना रहे लोकल में उसके अब उसमें जो भी एडिटिंग करेंगे पूरा जो है ना डाटाबेस उसमें स्टोर होता पूरा आ जाता ये लोकल में कर रहे हैं ना काम हाँ कर सकते वो उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है तो अपन स्टेप बाय स्टेप गए तो क्या है इजीली समझ में आ जाता तो इस तरह से मैं आप लोगों को लिंक भी भेजा मैं ग्रुप में अब वो उसको जो है ना इंस्टॉलेशन कर लीजिए अब ये नको बोलो कि भाई मोबाइल में खोल सकते हैं क्या बोल के नको बोलो ठीक है ये मोबाइल में ओपन नहीं होता ये आप अपने PC या लैपटॉप में जो है ना इंस्टॉलेशन करिए और बाज़ औक़ात किसी को एरर भी आता कि जो है किसी का ओल्ड वर्जन रहने की वजह से भी जो है इंस्टॉलेशन नहीं होता आप लोग देख लीजिए आपका वर्जन सही है मतलब अपडेट है अपडेटेड है तो जो है ना ले लेता मैक्सिमम तो ले लेता ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है ये ठीक है कुछ डाउट है आप लोगों को तो बोल दीजिए इंशाल्लाह अपन मीटिंग क्लोज कर जी सिर्फ ये दो और ये एक अपैच MySQL और ये MySQL का बाजू का एडमिन नहीं सिर्फ ये तीन ही करना है स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट क्या है जब इंस्टॉलेशन करेंगे जब ये वर्डप्रेस की फाइल जो है ना आप वर्डप्रेस में वो करेंगे आप सी ड्राइव में ही करना रहेगा वो वर्डप्रेस का वॉइस नहीं है जी नहीं वो अभी होस्टिंग और डोमेन का नहीं है अभी अभी ये ऑफलाइन ये लोकल कर रहे हैं अपन तो लोकल में ज़रूरत तो नहीं पड़ती लोकल में करने से वो गूगल पे शो नहीं होता लोकल मतलब जिस आपके PC में ही कर सकते हैं और वो भी जो है आपके PC में सेम इंस्टॉलेशन रहा और ये चीज़ रहे तो ये जो है ना आप खोल के देख सकते लाइक आप तो देख रहे हैं तो देखने में ये समझ में आता है कि जो है ना ये लाइव ही है क्या और ऐसा समझ आता लेकिन इसमें प्रैक्टिस जब आप कहीं ये वेब डिज़ाइनर बने आगे चलकर तो पहले अपन सेफ साइड ये रहना कि जो है ना ऑफलाइन कर लेना बाज़ औक़ात क्या होता है कुछ लाइट चले गई या कुछ भी हुआ तो उसका पूरा डाटा बर्खास्त हो जाता है क्रैश हो गया तो इसका थोड़ा एहतियात कर लेना पड़ता हाँ कर ले सकते हो उसका थोड़ा प्रोसीजर अलग है हाँ वो चीज़ रहती है उसमें जी हाँ
तो पहले ऑफलाइन तो सीख लो, ये फ्री में है, तो अब वो बात की बात है, 90 डेज का। किसी का क्वेश्चन है? लिंक मिल गए ना आप लोगों को, वैसे भी मैं इंशाल्लाह हो सका तो ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, आप लोग अपने पीसी लैपटॉप में इंस्टॉलेशन करिए। खैर, तो मैं वर्डप्रेस की भी फाइल आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना है वो। इसके बाद हम लोग एक थीम भी ले लेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, तो सब एक साथ करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आता। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का अपना ख्याल रखिए, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, कल से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वो इस चीज़ का वीडियो भी मैं आपको हो सका तो भेज देता हूँ, जो अटेंड नहीं कर सके वो वीडियो देख ले। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।